हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं कि जब हम दो पैरेलल वायर्स को एक साथ रखेंगे और दोनों में ही करंट होगा, तो दोनों ही में करंट होगी, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, इन सब चीज़ों को और एक एम्पियर करंट के डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे इस लेक्चर में। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने समझा था कि जब हम चार्ज पार्टिकल को किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, उसके डायरेक्शन का उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, और उससे भी प्रीवियसली बायोट सवार्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, तो उसके एप्लीकेशन, तो इन सारे लेक्चर्स को हम लोगों ने समझा है, इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने समझा है। तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर दो वायर है, ठीक है, तो फोर्स बिटवीन टू, ठीक है, तो हम लोग समझने वाले हैं कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि हम दो कंडक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर है ये, ठीक है, ये मेरे पास कंडक्टर वन, ये कंडक्टर वन है, इस कंडक्टर वन में करंट है आई वन। ध्यान से समझिएगा, इस कंडक्टर वन में करंट कितना है, आई वन। तो ये कंडक्टर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हम ये जानते हैं कि कहीं पर भी करंट हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड रोक अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को अगर हम समझें तो वो हम समझेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में, तो देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल फॉर्म होगा कुछ इस तरह से। तो हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखें, ठीक है, तो अब इसके बाद काम क्या करना है, देखिए इसे थोड़ा और बारीकी बना देते हैं, बारीक, ठीक है। तो ये करंट है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज होगा इस तरह से। तो एरो दे देते हैं, यहाँ एरो, यहाँ एरो, यहाँ एरो, यहाँ एरो, ठीक है, इस तरह से हमने एरो दे दिया, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया किसके वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर वन, जो करंट कंडक्टर वन में है कितना, आई वन, ये आई वन, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे कंडक्टर को रख लेते हैं, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर टू है और इसमें भी करंट है आई टू, इसमें करंट आई टू है जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखें इस दोनों कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर, इस दोनों कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। अब इसके बाद देखें तो यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं कि अभी इससे प्रीवियसली हम लोगों ने समझा था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो वो अपने ऊपर फोर्स महसूस करता है। फोर्स कितना महसूस करता है, तो फोर्स हम लोगों ने निकाला था आई एल बी साइन थीटा, इतना फोर्स वो अपने ऊपर महसूस करेगा। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो कंडक्टर वन है वो एज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है और इसने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, ये ब्लैक वायर ने ब्लैक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर टू है जिसमें करंट I2 है, तो इस फील्ड में ये वायर है तो इस पर फोर्स लगेगा, इस वाले फॉर्मूला के तहत जो हम लोगों ने समझा था कि मैग्नेटिक फील्ड में वायर को रखेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा यही हम लोगों को निकालना है। तो अब देखिए इतना तो समझ में आ गया कि इस कंडक्टर टू पर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है अब देखिए, तो फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू, यहां पर हम एक चीज और लिख लेते हैं कि अगर हम निकालते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो ये होगा फोर्स ऑन कंडक्टर टू ड्यू टू वन,
अगर हम F12 लिखें तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो ये समझना है कि टू पर अगर फोर्स लगे वन की वजह से तो F21 से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वन पर टू की वजह से लगेगा तो F12 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद देखें तो हम यहां पर अगर हम F21 निकालें, F21 तो F21 अगर हम निकालेंगे तो क्या क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, सिंपली हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो अगर हम लिखते हैं F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन तो क्या क्या लिखेंगे देखिए, अब यहाँ पर जो करंट I की वैल्यू कौन सी लेंगे हम, I1 लेंगे या I2 लेंगे, ये समझना है कि करंट हम I1 लेंगे या I2 लेंगे। तो क्या लेंगे देखिए, यहाँ पर हम फोर्स निकाल रहे हैं किस पर, टू पर, फोर्स निकाल रहे हैं किस पर, टू पर। तो जो करंट की जो वैल्यू होगी वो किस कंडक्टर का होगा, तो वो टू वाले कंडक्टर का, इसलिए यहाँ पर I1, ये जो I है यहाँ लेंगे हम I2, इस L को नीचे भेज देंगे, L बच गया अब B और साइन थीटा। तो B यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर वन की वजह से, इस वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए लेंगे, वन के लिए लेंगे, और साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा लगा देंगे। ये चीज फिर से समझिए, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, कंडक्टर वन की वजह से। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो किसके वजह से निकालेंगे, वन की वजह से निकालेंगे, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के जगह पर हम लिखें बी वन। इस फील्ड में हम किस कंडक्टर को रखे हैं, तो आई टू कंडक्टर को रखे, इसलिए इसमें कितनी करंट है, I2, इसलिए यहां पर I2। अब एंगल की बात करें तो अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल देखिए यहां पर एरो अंदर की तरफ है, तो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो अंदर की तरफ है, टेंजेंट अंदर की तरफ है और करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो देखिए इस तरह से, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, तो साइन थीटा 90। तो यहां पर F21 कितना निकल कर आ जाएगा, F21 by L is equal to आ जाएगा I2 I2 sin 90 degree, sin 90 होता है 1, इस वजह से F21 L I2 B1। अब एक चीज और काम करना है, क्या काम करना है, तो B1 की वैल्यू क्या डालें, B1 की वैल्यू क्या डालें, तो B1 की वैल्यू डालने के लिए हम एम्पियर्स लॉ पढ़े हैं प्रीवियसली, हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ भी डिस्कस किया था। तो एम्पियर्स लॉ में हम लोगों ने ये निकाला था कि अगर किसी वायर की वजह से, किसी वायर में करंट है और इस P पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें और इस P पॉइंट की दूरी R है, तो हम लोगों ने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाई टू पाई R। यहाँ पर R ये डिस्टेंस है, I इसमें जो करंट है उसकी वजह से। तो B1 के, अगर हम B1 के लिए लिखें तो B1 के लिए क्या लिखेंगे, B1 के लिए लिखेंगे म्यू नॉट I1 टू पाई R, ठीक है। I1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन है, I1, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड I1 है, इस वजह से B1 के लिए हम करंट की वैल्यू को डालेंगे I1, और R इसलिए क्योंकि यहां पर दो तार के बीच में डिस्टेंस कितनी है R, इस वजह से B1 के लिए हम क्या लिखेंगे, F21 upon L is equal to I2, और B1 के जगह डाल देंगे म्यू नॉट I1 by 2 पाई R। तो फाइनली F21 upon L कितना निकल कर आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई R। ये रिजल्ट निकल कर आ गया कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई R। तो ये पता चल गया कि इस I2 पर, इस कंडक्टर 2 पर, इसके वजह से जो फील्ड बन रहा है उस फील्ड में इस कंडक्टर 2 पर फोर्स कितना लग रहा है, तो म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई आर। अब इसके बाद देखिए मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए फिर से हम लोग यहां यूज करेंगे फॉर डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। डायरेक्शन के लिए फिर से क्या यूज करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करेंट। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बोट के अंदर, तो बी अंदर डाल दिए। करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो करंट के लिए हम इसको ऐसे टर्न कर देते हैं। अब देखिए अंगूठा किधर दिखा रहा है, इस तरफ, मतलब फोर्स इस तरफ लगेगी। तो फोर्स इस तरफ लगेगा, इसका मतलब कि इस पर जो ब्लैक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो कितना होगा,
ये F21 की डायरेक्शन ये है, F21 की डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड इतना, ठीक है, मैग्नीट्यूड इतना, डायरेक्शन ये, कैसे मैग्नीट्यूड निकल कर आया समझ में आया। अब हम सेम काम रिपीट करेंगे किसके लिए, टू के लिए, वन के लिए, टू की वजह से। ये टू भी अपना फील्ड बनाएगा, यहां पर हमने क्या निकाला है, F21 निकाला है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑन वन, वन पर कितना फोर्स लगेगा, टू की वजह से। तो सबसे पहले हमें टू के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी होगी, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लिया। अब इसके लिए भी देखिए करंट ऊपर है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये इस तरफ हो गया, ठीक है। हम सेम काम रिपीट करने वाले हैं, लेकिन इस बार निकालने वाले F12। F12 के लिए फिर से देखिए सारा काम रेड से कर रहे हैं, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, ब्लैक के लिए ब्लैक कलर और रेड के लिए रेड कलर। अब रेड के लिए हम काम कर रहे हैं, तो अब निकालेंगे फिर से F = ILB sin θ, ठीक है। तो अब हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब देखिए फिर से वन पर फोर्स किसके वजह से, टू की वजह से, तो वन पर फोर्स, तो यहां पर करंट के लिए जो हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे वो I1 लेंगे या I2 लेंगे। तो याद रखिए फोर्स किस पर निकाल रहे हैं, वन पर निकाल रहे हैं, तो वन पर फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए करंट की मैग्नीट्यूड किसका लेंगे, वन का ही लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा I1, ये L नीचे भेज देंगे। अब यहां B किसके लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो ये किसके फील्ड में है, तो जो कंडक्टर टू है उसके फील्ड में, तो बी यहां पर किसके वजह से है, कंडक्टर टू की वजह से, इसलिए B2। और साइन 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे यहां पर 90 डिग्री हुआ है वैसे यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आउटवर्ड, और करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसलिए देखिए ये ऐसे है, तो दोनों के बीच में कितना बनेगा, 90 डिग्री, इसलिए साइन 90। तो F12 by L = आ जाएगा I1 B2। अब B2 की वैल्यू क्या डालेंगे, तो फिर से एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि B = μ0I/2πr। तो यहां पर B2 है इसलिए I2 कर देंगे, तो B2 के वैल्यू के लिए क्या पुट कर देंगे, F12 by L = I1, और B2 के लिए डाल देंगे μ0I/2πr। तो F12 by L = आ जाएगा μ0I1I2/2πr। अब थोड़ा इसे देखें, ठीक है, थोड़ा ध्यान दें कि दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कीजिए, F21 by L, F12 by L, μ0I1I2/2πr, μ0I1I2/2πr, दोनों के मैग्नीट्यूड से। डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखिए फिर से हम लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो फिर से यहां पर B किस तरफ है, इस तरफ, B बाहर की तरफ, I किधर है, ऊपर, तो I हम ऊपर कर दिए। थंब किधर दिखा रहा है, इस तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F12 वेक्टर। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब दोनों एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा, और डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए इक्वल और अपोजिट। तो इससे एक चीज ये पता चलता है हमें, ठीक है, एक चीज ये पता चल रहा है कि सेम डायरेक्शन में करंट हो, अगर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट अट्रैक्ट करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये चीज एक रिजल्ट हम लोगों को मिला कि दो तार है अगर इस तरह से, ठीक है, दो तार है और दोनों में ऊपर की तरफ करंट, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दोनों में नीचे की तरफ करंट, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक में ऊपर एक में नीचे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये चीज समझ में आई हम लोगों को। मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों में फोर्स कितना लगेगा, तो म्यू नॉट परमिबिलिटी, दोनों के बीच की परमिबिलिटी है म्यू नॉट, में एयर होगा तो एयर, मीडियम होगा तो मीडियम, ठीक है, म्यू नॉट, और I1 I2 by
टू पाई और दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, ये वैल्यू पुट कर देंगे, और एल दोनों वायर के लेंथ के लिए है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया कि दोनों पर फोर्स जो लगेगा, दो तार एक दूसरे को अगर हम पैरेलल रखें तो फोर्स कितना लगेगा, ये हम लोगों ने निकाल लिया। दोनों अट्रैक्ट कब करेगा, रिपेल कब करेगा, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैग्नेट, ये 1 एम्पियर करेंट को हम लोग डिफाइन कैसे करें। तो 1 एम्पियर करेंट डिफाइन करने के लिए देखिए कुछ जगह हमें चाहिए होगी, इसलिए इसे इरेज कर देते हैं। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास यहां पर, डिफाइन 1 एम्पियर करेंट, इसे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, डिफाइन 1 एम्पियर करेंट। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर, ठीक है, म्यू नॉट आई वन। तो यहां पर हम करेंगे क्या कि आई वन, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, इसलिए करेंट आई वन आई टू सब कितना डाल देंगे, 1 एम्पियर। दोनों के बीच में, दोनों तार की बीच में जो दूरी है वो भी कितना डाल देंगे, 1 एम्पियर। तो देखिए एफ अपॉन एल आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, आई वन भी 1 है, आई टू भी 1 है और आर भी 1, ठीक है। तो कितना आ गया एफ अपॉन एल, एफ अपॉन एल आ गया हमारे पास म्यू नॉट बाई 2 पाई। अब यहां काम करना है, ठीक है, यहां काम कर रहे हैं, देखिएगा ब्लू कलर से, यहां के बाद एफ अपॉन एल, ठीक है, म्यू नॉट बाई 2 पाई। अब हम एक काम क्या करते हैं, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, 2 से इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा और ऊपर 2, और म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू हम लोगों को पता है 10 to the power -7। तो एफ अपॉन एल आ गया कितना, 2 into 10 to the power -7 न्यूटन मीटर इनवर्स। तो ये रिजल्ट निकल कर आ गया। अब हम 1 एम्पियर करेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो 1 एम्पियर करेंट हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो तार के बीच में, जब दो पैरेलल वायर एक दूसरे पर इतना फोर्स क्रिएट करे तो हम कहेंगे कि उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितना है, 1 एम्पियर करंट है। बात समझ में आ रही है कि हम 1 एम्पियर करंट कब कहेंगे, जब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे पर इतना फोर्स क्रिएट कर दे, ठीक है, 2 into 10 to the power -7 पर फोर्स पर यूनिट लेंथ क्रिएट कर दे, तो हम ये कहेंगे कि उसमें जो करंट है वो कितनी है, 1 एम्पियर करंट है। इसे हम स्टेटमेंट के तौर पर भी लिख सकते हैं, क्या करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर्स क्रिएट 2 into 10 to the power -7 न्यूटन मीटर इनवर्स फोर्स, दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट, ठीक है। तो बात समझ में आई, 1 एम्पियर करंट क्या है कि जब दो पैरेलल वायर एक दूसरे पर इतना फोर्स क्रिएट करे 2 into 10 to the power -7, तो हम कहेंगे कि उसके उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक कि जब दो पैरेलल वायर को एक दूसरे के सामने रखें और दोनों में करंट फ्लो होगी, ठीक है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा और किस तरह अट्रैक्ट करेगा, किस तरह रिपेल करेगा और 1 एम्पियर करंट क्या होती है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।